गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में नया टॉपिक करेंगे। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि हाउ डज इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड। टॉपिक आज का है कि किसी भी एक इकोनॉमी में मनी मार्केट में इंटरेस्ट रेट को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, आगे देखते हैं इसको। एज वी ऑल नो कि जैसा हम सब जानते हैं पहले से ही कि इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट वहां होगा इन मनी मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर मनी डिमांड इक्वल्स मनी सप्लाई। सिंपल, कि जहां पर मनी डिमांड मनी सप्लाई के बराबर होगी। तो हम अपने पहले भी वीडियोस जो हमने बनाए हैं मनी पर और जो यूनिट सेकंड और थर्ड के बारे में है, वी हैव एंड इनफैक्ट इन जब हम फेस टू फेस क्लासेस ले रहे थे तब भी वी हैव डिस्कस्ड दैट मनी डिमांड फंक्शन जो है वो इज इक्वल्स टू ए के इंटू वाई माइनस एच इंटू आई। नाउ ये जो रिलेशन है और ये जो रिलेशन है दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स रिलेशन विद इंटरेस्ट रेट। और यहां पर जो पैरामीटर है ये है वाई, यानी कि इनकम लेवल। अब इस रिलेशन को एग्जैक्टली इस स्पेसिफिक फॉर्म में ना लिखकर हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एम डी इज इक्वल्स टू वाई इंटू एल विद इन ब्रेसिस आई रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर वाई क्या है, नॉमिनल इनकम होगी, नॉमिनल इनकम होगी, या आप आउटपुट कह लीजिए इसको, क्योंकि ये पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है। यानी कि अगर, क्योंकि इस फंक्शन में अगर यहां देखें तो हम ये इंटरसेप्ट का काम कर रहा है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, अपने प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं वो, जिनमें हमने रियल इंटरेस्ट रेट और फिशर इफेक्ट हमने देखा था मनी डिमांड के साथ। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो उस वीडियो को देखें जिनको आज ये समझ नहीं आ रहा है, बट मैं बताने की फिर भी कोशिश करता हूँ कि ये इंटरसेप्ट का काम कर रहा है। यानी कि ये शिफ्टिंग पैरामीटर है, कि ये पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है मनी डिमांड को। पॉजिटिव का मतलब है ये एक तरीके से शिफ्ट करेगा मनी डिमांड फंक्शन को। और एल का मतलब यहां पर है बच्चे लिक्विडिटी से, क्योंकि जब हम मनी की डिमांड करते हैं तो एक्चुअल में हम लिक्विडिटी की डिमांड कर रहे होते हैं, क्योंकि मनी मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ एसेट है। कि मनी को किसी और गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता। हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी किसी भी एरिया में हम मनी को कन्वर्ट कर सकते हैं अदर एसेट्स में। और ये हमारा जो आई है, यहां पर आई है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये नेगेटिवली रिलेटेड है। तो सिंपली हम मनी डिमांड फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, एम डी इज इक्वल्स टू वाई इन मल्टीप्लीकेशन विद एल आई। तो इसके साथ एल आई के साथ हम नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर देंगे, चाहे नीचे भी लिख सकते हैं, कई जगह ऊपर भी लिखा होता है। तो इसका मतलब है एक तरीके से कि इंटरेस्ट रेट नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है और इनकम पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है। अगर हम ग्राफिकली बनाए तो मनी डिमांड फंक्शन इस तरह से कुछ दिखेगा। ये यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पर ये मनी डिमांड है, और ये इन्वर्सली रिलेटेड है। यानी कि एम डी एज अ फंक्शन ऑफ वाई इंटू एल आई, ये इन्वर्सली रिलेटेड है। तो इन्वर्सली रिलेटेड होने का मतलब क्या हुआ, इसको आगे हम देखते हैं। सपोज हमने ये मनी डिमांड फंक्शन बढ़ाया, तो अब क्योंकि जो वाई है ये इंटरेस्ट रेट है, ये मनी डिमांड हो गई। क्योंकि जो ये y है, y काम कर रहा है इंटरसेप्ट का,
y काम कर रहा है शिफ्टिंग पैरामीटर, y पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है। जैसे ये इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर y की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका इंटरसेप्ट चेंज होगा, इंटरसेप्ट चेंज होने से शिफ्ट करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर नॉमिनल इनकम बढ़ती है तो मनी डिमांड फंक्शन राइट को शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि ये MD1 हो गया, ये MD0 था, ये MD1 हो गया, विच इज इक्वल्स टू Y1 इंटू में, ये Y0 लेवल ऑफ इनकम है, ये Y1 इंटू में LI विद द ऑल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर गया यहाँ पर, कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये ए पॉइंट शिफ्ट होकर बी पॉइंट की तरफ आ गया है। ऐसे ही अगर मनी इनकम कम हो जाती है तो ये लेफ्ट को शिफ्ट कर जाएगा, फिर से कम होकर आ जाएगी तो लेफ्ट को शिफ्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब वाई जो है वो शिफ्टिंग पैरामीटर का काम कर रहा है। अब दूसरी चीज और देखने को हमें मिलती है कि इंटरेस्ट रेट क्या करता है। तो इंटरेस्ट रेट कॉज कर रहा है मूवमेंट अलोंग मनी डिमांड फंक्शन, इंटरेस्ट रेट शिफ्ट नहीं करेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या है, स्लोप पैरामीटर के साथ है। तो यानी कि अगर ये MD है और ये Y है, ये L, इंटरेस्ट रेट सपोज करो I0 है, तो I0 इंटरेस्ट रेट है, तो सपोज करो इस पॉइंट पर हम I0 इंटरेस्ट रेट, मनी डिमांड है MD0। अब अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मनी डिमांड फंक्शन शिफ्ट नहीं करेगा, ये इनवर्सली रिलेटेड है, ये पॉजिटिवली रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है, तो ये इनवर्सली रिलेटेड है, नेगेटिवली रिलेटेड है, तो ये क्या करेगा, मनी डिमांड को कम कर देगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ और मनी डिमांड बढ़ गई, सॉरी कम नहीं करेगा, बढ़ा देगा, मनी डिमांड बढ़ गई, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो चेंज हो रहा है वो मूवमेंट अलोंग मनी डिमांड फंक्शन दिखा रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर चेंज हो रहा है तो वो मूवमेंट अलोंग, यानी कि हम इस पॉइंट से स्लाइड करके आ गए। तो एक तो हमें ये बात समझनी है यहाँ पर इसमें, कि जो ये मनी डिमांड फंक्शन की इक्वेशन है, इसमें जो ये वाई है ये शिफ्टिंग पैरामीटर है, शिफ्टिंग पैरामीटर, यानी कि ये शिफ्ट करेगा मन डिमांड फंक्शन को, क्यों, क्योंकि ये इंटरसेप्ट का काम करता है। तो इंटरसेप्ट हमेशा क्या करता है, शिफ्ट करता है एंटायर फंक्शन को, पूरा का पूरा फंक्शन शिफ्ट कर जाता है, आइदर टू द राइट और टू द लेफ्ट, दैट टू पैरेलल, वो पैरेलल शिफ्ट करता है, ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि वो इनवर्सली रिलेटेड है, और इंटरेस्ट रेट का अगर हम यह ध्यान से देखें तो ये एच जो है, जिसको हमने पहले क्लास में पढ़ा है, इसको हम इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड फॉर मनी कहते हैं, फॉर मनी कहते हैं। तो ये स्लोप डिटरमिनेंट है, तो स्लोप डिटरमिनेंट का मतलब क्या है, मूवमेंट अलोंग, यानी कि मूवमेंट अलोंग, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है मूवमेंट अलोंग डिमांड फंक्शन करेगा, यानी कि मूवमेंट अलोंग मनी डिमांड फंक्शन करेगा, मनी डिमांड फंक्शन पे मूवमेंट करेगी, वो शिफ्ट नहीं करेगा। तो ये तो बात थी मनी डिमांड की, अब मनी सप्लाई की बात कर लेते हैं। मनी सप्लाई सपोज कर लेते हैं एम के इक्वल है, एम यहां पर क्या है, नॉमिनल मनी सप्लाई, एम है नॉमिनल मनी सप्लाई, नॉमिनल मनी सप्लाई, नॉमिनल मनी सप्लाई का मतलब क्या है, हम यहां पर प्राइस लेवल नहीं ले रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, अदरवाइज यहां पर हम प्राइस लेवल से डिवाइड करके, यानी कि आपने पीछे में देखा होगा एम डिवाइडेड बाई पी लिया था, तो ये रियल मनी बैलेंसेस थे, ये रियल मनी बैलेंसेस थे, पर यहां पर हम सिंप्लीफिकेशन के लिए मनी को, मनी सप्लाई को सिर्फ नॉमिनल मनी सप्लाई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर ये है सिर्फ क्या, नॉमिनल मनी सप्लाई, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए है, अदरवाइज कोई और रीजन नहीं है इसका। तो अब मनी सप्लाई फंक्शन को देखें, तो क्योंकि इसके साथ कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है तो ये ऑटोनॉमियस ऑफ इंटरेस्ट रेट हो गया, ये ऑटोनॉमियस ऑफ इंटरेस्ट रेट हो गया, तो इसमें इंटरेस्ट रेट का कोई लेना देना नहीं है। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कैसे दिखेगा, इसको अगर ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मनी सप्लाई है MS, कि जब नॉमिनल मनी सप्लाई है M0, ये मनी सप्लाई है यहाँ पर M0। ऐसे ही अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी
एम एस वन, ये एम एस ज़ीरो था एम एस वन, तो ये एम वन, तो ये राइट को शिफ्ट कर जाएगा और मनी सप्लाई कम होगी एम एस टू, तो ये लेफ्ट को शिफ्ट कर जाएगा। अब सवाल है मनी सप्लाई कम या ज्यादा किसकी वजह से होगी, ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ सेंट्रल बैंक, कि इकोनॉमी का जो सेंट्रल बैंक है वो या मॉनेटरी अथॉरिटीज जो होती हैं इकोनॉमी में वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती हैं। तो मनी सप्लाई अगर राइट शिफ्ट करेगा, यानी कि सेंट्रल बैंक अगर ये चाहता है कि इकोनॉमी में उसे मनी सप्लाई बढ़ानी है तो वो बढ़ाएगा अपनी मर्जी से, इसको राइट को शिफ्ट हो जाएगा मनी सप्लाई फंक्शन, और अगर वो कहेगा कम, अगर वो चाहेगा कम करनी है तो वो मनी सप्लाई को लेफ्ट को शिफ्ट करेगा। तो अगर हम सिंपली देखें कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर डिटरमाइन होगा, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा कि जहाँ पर मनी सप्लाई इक्वल होगा मनी डिमांड के, देयरफॉर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एम इज इक्वल्स टू होगा वाई इंटू एल आई, जिस पॉइंट पर ये इक्वेशन फुलफिल होगी वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। लेट मी ऐड सम पेजेस एज द, एक यही पेज था, ये पेज खत्म हो गया तो इसको मुझे पेजेस ऐड करने पड़ेंगे। तो ये इक्विलिब्रियम यहां पर डिटरमाइन होगा, आशा रखता हूँ इतनी बात समझ आई होगी। इसको हम वीडियो को हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे अभी दो मिनट के बाद। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, कि हमने अभी देखा कि इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट वहाँ पर डिटरमाइन होगा जहाँ पर मनी सप्लाई मनी डिमांड, यानी कि ये इक्वेशन फुलफिल होगी। लेट अस सी इट ग्राफिकली, अब इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। अब ये देखो, सपोज ये ग्राफिकल प्लेन है, ये इंटरेस्ट रेट है, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है, और सॉरी ये इंटरेस्ट रेट है वर्टिकल एक्सिस पर, और ये मनी डिमांड और मनी सप्लाई दोनों हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। नाउ सपोज दिस इज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एम एस विच इज इक्वल्स टू एम, एंड हियर इज द एम ज़ीरो लेवल ऑफ मनी सप्लाई, एंड दिस इज मनी डिमांड फंक्शन, ये मनी डिमांड फंक्शन है विच इज़ इक्वल्स टू वाई इंटू एल आई विद नेगेटिव साइन हेयर एंड पॉजिटिव ओवर हेयर, एज इट इज इनवर्सली रिलेटेड विद द इंटरेस्ट रेट एंड पॉजिटिवली रिलेटेड विद द इनकम। सो द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट वुड बी दिस पॉइंट, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट हो जाएगा आई ज़ीरो, और इस आई ये इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट होगा आई ज़ीरो, और यहाँ पर ये मनी डिमांड और मनी सप्लाई दोनों इक्वल होगी। दिस इज हाउ इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इज बीइंग डिवाइडेड, यानी कि इस पॉइंट पर एम इज इक्वल्स टू वाई इंटू एल आई, ये इक्वेशन फुलफिल होती है। तो जो भी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा कि इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन होता है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।